जब वे मेघ बनाए। उन दिनों में जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से भक्तमाल पढ़ने जाया करता था। भक्तमाली जी हरिदास जी संप्रदाय में दीक्षित होने पर भी सब संप्रदायों का समान भाव से आदर करते थे, किंतु जो कोई भी उनके संपर्क में आता था उसे श्री बिहारी जी के दर्शन करने को विशेष आग्रह के साथ भेजा करते थे। एक दिन भक्तमाल पढ़ते पढ़ते ही वे बीच में रुक कर मुझसे पूछने लगे, बिहारी जी के दर्शन करने जाते हो कि नहीं? मैंने बता दिया, कोई नियम नहीं है। कभी 10-5 दिन तक रोज जाता रहता हूँ, कई महीने 2 महीने नहीं भी जाता हूँ। मेरी बात सुनकर वे मुझे समझाते हुए कहने लगे, बिहारी जी महाराज की कृपा से जब वृंदावन में आ ही गए हो तो प्रतिदिन बिनागा उनके दर्शनों को जाया करो। मैं तब बिहारी जी के स्वरूप को नहीं समझता था। मैंने अपने हृदय की सच्चाई उनके सामने प्रकट करते हुए कहा, मैं तो रामानंदी हूँ, आश्रम में श्री राम दरबार के दर्शन तो प्रतिदिन कर ही लेता हूँ, फिर बिहारी जी के दर्शनों का नियम मैं क्यों लूँ? मेरी बात सुनकर उनकी आंखें सजल हो गईं, रुंधे हुए कंठ से बोले, बिहारी जी महाराज किसी विशेष संप्रदाय के नहीं हैं, बल्कि वे तो प्रेम स्वरूप हैं, और प्रेम के बिना भी भला कोई संप्रदाय उपासक को अपने इष्ट के पास ले जा सकता है? यदि कोई भी साधक वास्तव में अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो बिहारी जी की शरण में आने पर उसका रास्ता आसान ही होता है। तुम वृंदावन में रहते नहीं, सभी संप्रदायों के बहुत से वैष्णव प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, क्या तुम समझते हो उन्होंने अपना संप्रदाय छोड़ दिया है? भैया, बिहारी जी के दर्शन तो ऐसे हैं जैसे जाड़े के दिनों में धूप सेंकना या गर्मी के दिनों में चंद्रमा की शीत चांदनी में स्नान करना। प्रेम भी यदि किसी एक संप्रदाय की बपोती होती तो प्रेम का वशीकरण प्राणी मात्र पर कभी कारगर ना होता। फिर कुछ देर सोचकर बोले, आज शाम को आ जाना, हम तुम्हें बिहारी जी के दर्शन कराकर लाएंगे। शाम को मैं उनके पास पहुंचा तो वे तैयार मिले, तुरंत मेरे साथ उठकर चल दिए। भक्तमाल जी माली जी जब गली बाजार में निकलते तो उनके परिचित लोग कई प्रकार से उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट किया करते थे। कुछ उनके सामने सड़क पर ही साष्टांग प्रणाम करने लगते थे, कुछ चरण स्पर्श मात्र से संतुष्ट हो जाते थे, कुछ हाथ जोड़कर ही रह जाते थे, और कुछ ऐसे भी होते थे 2-4 मिनट बातचीत करना भी चाहते थे। भक्त महाराज जी का स्वभाव था कि वे किसी का दिल नहीं दुखाते थे, इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता था कि 10-20 कदम चढ़ने में ही उन्हें घंटों लग जाते थे। उसी दिन भी यही सब चला। निधि वन तक आते जाते 7-8 बज गए। वहाँ आकर फिर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। भक्तमाली जी से उनकी बातें सुन सुनकर सबका समाधान कर रहे थे, तभी 10-11 साल का एक बालक वहाँ प्रकट होकर भक्तमाली जी का हाथ पकड़कर उन्हें झनकोरता हुआ बोला, बाबा अब तो दर्शन करवे जा रहे हो कि नहीं? इनकी बातन में उर्जी जल्दी जासा धारा देह में मेह आए वे बारी है। मुझे इस बालक के बोलने में अशिष्टता की गंध आ रही थी, इच्छा हुई कि इसे धक्का देकर अलग कर दूं, पर भक्तमाली जी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए गद कंठ से कहने लगे, अच्छा लाला मोर का पतो है कि तू मेरे काज यहाँ तोली तल्यो आवेगो। और फिर सब व्यक्तियों को वहीं खड़ा छोड़कर लंबे लंबे डग भरते आगे बढ़ लिए। मैं अपने मन में सोचता रहा कि हद के सीधे हैं महाराज जी, एक बालक ने कह दिया और इन्होंने विश्वास कर लिया। आकाश में तारे खिल रहे हैं, दूर दूर तक कहीं बादलों का नामो निशान नहीं है, फिर मेघ कहाँ से आएगा? भक्तमाली जी आगे आगे लपके जा रहे थे, मैं उनके पीछे था। अभी हम मंदिर के चबूतरे पर चढ़े भी ना थे कि बिजली चमकी और आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। मंदिर के भीतर घुसते घुसते तो मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। मैं कभी बालक के बारे में सोचता, कभी भक्तमाली जी के बारे में, और कभी बरसात के बारे में। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मात्र संयोग है या इसके पीछे से बिहारी जी महाराज की करुणा का हाथ है। उधर भक्त महाराज जी बिहारी जी से वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, तू बड़ा कौतुकी है लाला। अभी वहाँ बालक बना खड़ा था, फिर शाम घन बनकर आकाश से बरसने लगा और अब यहाँ खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। एक कौतुक भी कर दे यार, देख ये राम कृपा लुदास तुझे जाने क्या समझ रहा है, इस पर भी कृपा कर दे ताकि ये भी तुझे समझ ले कि तू क्या है, और ये भी संप्रदाय भाई के गलियारों से निकलकर प्रेम के उस राजपथ पर आ जाए जहाँ किसी प्रकार के भेदभाव या आलस नहीं पहुँच पाते। भक्त माली जी की बात सुनकर मेरी आंखें बरस पड़ी। तब से प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करना और विशेष रूप से उनकी शयन आरती की झांकी लेना मेरा नियम बन गया है। अभी भक्त माली जी जैसा अनुभव तो मुझे नहीं हुआ, किंतु बिहारी जी के दर्शन किए बिना भी वृंदावन में रह सकूँ
ऐसी सामर्थ्य मुझ में नहीं रही। आप चाहें तो इसे मेरी लाचारी कह सकते हैं, किंतु मैं तो इसे बिहारी जी की कृपा मानता हूँ जो मेरे सामने प्रतिदिन उनके नए नए रहस्यों को खोलती रहती है। राधे राधे।